गुरुदेव, एक शब्द आता है धर्म। हम हिंदुओं सनातन जो सुनता आ रहा हूँ, सनातन धर्म, ये धर्म क्या होता है? इस संदर्भ में आप कुछ सुझाव दे अपने हिसाब से। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। धर्म की व्याख्या बहुत अद्भुत है। सनातन संस्कृति में धर्म की बहुत ही महिमा गाई गई है जी। सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर लेते हैं, गुरुदेव भगवान का जी। भारद्वाज कुलादशीत किरणम वेदांत विद्यांतगम श्रीमंतं गुरुसूरितनयं भक्त्या जगद्वासगम् श्रीमत्श्रीमधुसूदनाय सततं पादाम्बुजोपासकम् श्रीमत्श्रीमधुसूदनाय सततं पादाम्बुजोपासकम् आचार्य प्रवरम् जगद्गुरुवरम् श्रीमाधवम् नौम्यहम् अस्मत्परम् गुरुभ्यो नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः विघ्नेश्वराय नमः मंगलमूर्तये नमः। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है जी गुरुदेव। वो स्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं जी, धर्म न दूसर सत्य समाना जी। संसार में अगर सही मायने में कोई धर्म है तो वो सत्य है जी। सत्य का आश्रय लेकर के हम सब धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं जी। और धर्म की व्याख्या तो बहुत विस्तृत है जी। जैसे कि पुत्र का पिता के प्रति धर्म जी, पिता का पुत्र के प्रति धर्म जी, भाई का बहन के प्रति धर्म जी, बहन का भाई के प्रति धर्म, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति धर्म जी, पति का पत्नी के प्रति धर्म, पत्नी के पति के प्रति धर्म जी जी, और बहुत सारे क्लोज संबंध है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं जी, सब आपस में जितना जुड़ा हुआ है जी, जी, सब के मूल में धर्म ही है जी जी जी, और सबके धर्म के मूल में सत्य है जी जी। सत्य की जो बागडोर है, जो डोरी है, उसी पर हमारा सारा संबंध जुड़ा हुआ है जी। अगर हम सत्य को अलग कर दे धर्म से तो कोई भी संबंध टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है जी जी। सत्य के बिना सारे संबंध बिखर जाएंगे जी जी। इसलिए मूल सबका आधार सत्य ही है जी जी। और धार्यते इत धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है जी जी। धर्म के मार्ग पर चले और अनुसरण करें, उस मार्ग पर चल करके लोगों को बताएं कि ऐसे धर्म पर चलाया जाता है जी जी। तो धर्मावलंबी जो जन लोग हैं, भक्त लोग हैं जी, वो सारे के सारे अनुगमन तब करते हैं जब स्वयं धर्म के मार्ग पर हम चल करके उस मार्ग पर चल के हम दिखाते हैं जी जी। कि ये सत्य है, ये धर्म है। धर्म के मार्ग पर भगवान राम चले हैं जी जी। अब भगवान राम धर्म के मार्ग पर चल करके सारे संसार में बिखरे हुए संबंधों को जी जी। एक कर दिया, जोड़ दिया है जी जी। वशिष्ठ और विश्वामित्र का कितनी दूरियां थी जी जी। सारे दूरी को मिला करके एक कर दिया जी जी। एक छोर से दूसरे छोर को मिला दिया, सेत बांध दिया जी जी जी। ऐसे भगवान राम ने बहुत सारे कार्य किए जगत में, उनसे बड़ा धर्म सेतु कोई नहीं है जी जी। वाल्मीकि जी महाराज चित्रकूट में कहते हैं, धर्म हेत अवतरेव गोसाई, आपका अवतार ही धर्म के लिए हुआ है जी जी जी। आप सारे संसार में चल करके, अयोध्या से निकल करके, जन जन तक पहुंच करके, संत महात्माओं तक पहुंच करके, भक्तों तक पहुंच करके,
अपने धर्म का आप प्रचार भी कर रहे हैं और आप धर्मात्मा बन करके सारे संसार में एक सुंदर सी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जय जय। धर्म की धुरी भगवान है, भगवान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। द्वापर काल में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म की बात बताते हैं, धर्म की बात सिखाते हैं। जब धर्म की व्याख्या करते करते रणांगन में उपदेश दिया, सुंदर से गीता का ज्ञान दिया और बताया तुम्हारा ये धर्म है, इस युद्धस्थल में पीछे हटना धर्म नहीं है। जी जी जी। इसलिए आप इस युद्ध को विजय धर्म समझ करके इसे आप जीते और लड़े, आपके सदा सर्वदा हम साथ में हैं। और तब धर्म के मार्ग पर आप पढ़ेंगे तो सत्य रूपी परमात्मा सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। यत्र योगे सुरः कृष्णो तत्र पार्थो धूम्रा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा त्रिमतिर्म। उधर ही विजय है, उधर ही धर्म की जय जयकार है। धर्म की ध्वजा लगातार फहराती रहेगी और सारे संसार में धर्म की ध्वजा फहरा करके जय जयकार होती रहेगी। सच्चिदानंद भगवान की जय।